बजे का डिपार्चर है। 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। क्या कहा? हाँ हाँ, मैंने सबको बता दिया है। पकड़ साले को। भागने ने पकड़ इसको। डैडी आओ बेटा, आओ बैठो। डैडी, उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी, उसे कुछ नहीं होगा ना? अरे कुछ भी नहीं होगा बेटा, तुम परेशान मत हो। कहाँ गया? तू नौकरी के लिए रट लगाए रखेगा तो मैं क्या करूंगा? हाँ, आज के जमाने में नौकरी मिलना आसान बात है क्या? जहां देखो सब 10,000-20,000 की घूस मांगते हैं। तू अपना ही लड़का है, देखता हूं क्या हो सकता है। पापा 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 पापा, कोई मुझे मारना चाहता है पापा, पता नहीं कौन है पापा। अभी गोपाल पार्क बेसमेंट में हूँ पापा। ए, पकड़ उसको, भागना ना पार्क। सर सर बचा लो, सर 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 बचा लो, सर सर प्लीज प्लीज सर बचा लो, सर बचा लो सर, ये लोग मुझे मार डालेंगे सर। ए, यहाँ भेज उसे, यहाँ भेज। ए, तू घूर क्या रहा रे? तू यहाँ का दादा है क्या? वसन, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? ए, फोन दे मुझे। भाई देखो ना भाई, वसन ठीक ठाक है भाई? हाँ, मैं पूजा भाई। हाँ भाई, वही ओटे गैंग भाई। अरे हम क्या उन्हें मारेंगे भाई, हमारे आने से पहले ही किसी ने उन्हें ऐसा धोया है भाई कि 1 महीने तक उठ ही नहीं पाएंगे भाई। उस बच्चे का कितना खून बह गया, उसकी माँ बेचारी दिल की मरीज है, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो। देखो ऐशु, Nothing will happen. Everything will all right. Okay? Nothing is okay. Sorry. I'm sorry. देखो, तुम्हारी फ्लाइट का वक्त हो चुका है। अब जल्दी करो। डैडी, उस बच्चे को चोट लगी है, उसका इलाज करवा के सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना। उसके लिए हम हैं ना बेटा, तुम्हें निकलना चाहिए। नहीं, उसे होश आने के बाद ही मैं जाऊंगी। देखो ऐशु, बच्चों की तरह जिद मत करो। उस बच्चे को कल होश आएगा तो क्या तुम यहीं पर रहोगी? बिल्कुल,
यहीं रहूंगी। उस बच्चे की जान से मेरा फॉरेन ट्रिप ज्यादा जरूरी है क्या? मैं यहीं रहूंगी डैडी। ओके। पिछले महीने पूछा तो कहा इस महीने आओ, अभी पूछ रहा हूँ तो कह रहे हो अगले महीने। पानी देना। ये इसी बार का नहीं हर बार का तुम्हारा नाटक है। मैं क्या तुम लोगों को बेवकूफ दिखता हूँ? किराया नहीं दे सकते हो तो चुपचाप घर खाली करके निकल जाओ। मुंबई में पार्क और बस स्टॉप की कमी नहीं है। अंदर कोई है भी या सब मर गए? कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है? अंदर क्या बेशर्मों की तरह बैठे हो? पता नहीं किन से पाला पड़ा है, भिखमंगे कहीं के। उनकी तरफ ध्यान मत दे, तो चुपचाप खाना खा ले बेटा। कृष्णा, तू नौकरी मांगने गया था ना, क्या हुआ बेटा? 5,000 मांग रहे, देगी क्या तू? तेरे पति ने सिर्फ मर्दानगी दिखाने के लिए हमें पैदा किया, और क्या किया उसने? जो तुम्हें सिंदूर नहीं दे सका वो हमें क्या देगा? तू क्या मुंह देख रही है, चल कॉलेज जा। भैया, मुझे कॉलेज की फीस भरनी थी, नहीं भर पाए तो कॉलेज से निकाल देंगे भैया। सब लोग मिलकर एक दिन जान ले लो मेरी। भैया। क्यों कैलाश? भाई, मेरा बेटा कॉलेज में किसी लड़की से छेड़खानी करते हुए पकड़ा गया है भाई। उस एरिया के एसीपी पैसे देने से मना कर रहा है भाई। डिपार्टमेंट में कम से कम एक मर्द तो है, अच्छी बात है। भाई, ये क्या बोल रहे हो? सुन मेरी बात, मर्दानगी का मतलब है औरतों को सुरक्षा देना, जबरदस्ती बच्चे पैदा करना नहीं। ऐ, पूरी बात सुन, सीधे जाकर उसे सरेंडर करने को बोल। अगर उसने भागने की जरा भी कोशिश की ना, पुलिस वालों से पहले मैं खुद धुलाई करूंगा उसकी। ठीक है भाई। भाई, मदद कर सकते थे ना? ये भाई भलाई के लिए है, मदद सिर्फ अच्छों की। भाई क्या है विश्वा? बेटे को कॉन्वेंट में डालना है, 50,000 का डोनेशन मांग रहे हैं, ऊपर से माँ बाप को ग्रेजुएट भी होना चाहिए। कैसा जमाना आ गया है, डोनेशन, फीस, ट्यूशन, साथ में माँ बाप भी पढ़े लिखे होने चाहिए। एक जमाने में गुरु दक्षिणा लेकर पढ़ाते थे, हम तब पढ़ नहीं पाए। अब जब दक्षिणा के बगैर कोई गुरु मिलता नहीं है तो हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ए नागा। हाँ भाई। तो उस प्रिंसिपल के पास चला जा। हाँ। और मेरा नाम लेकर 5,00,000 रुपए लेकर आ। ठीक है भाई। इसको 50,000 दे दे और बाकी पैसा अनाथ आश्रम में भेज दे। ठीक है भाई। भाई, हाँ। वसंत को बचाने वाला आया है। शाबाश। ये क्या है? पैसे हैं, इनके बेटे को बचाने की खातिर। घर पर आए भिखारी को पैसे दिए जाते हैं, नहीं चाहिए। ए, रुको, मेरे बेटे को बचाने का इनाम तो लेना ही होगा। मैं होता तो अपनी जान दे देता। चाहते क्या हो, मैं अपनी जान दे दूं? आप दे पाएंगे? जानते हो कहां खड़े हो, भाई के घर में। शिवजी वाले शमशान में भी ऐसे ही बोलता हूं। मर्द हो, इसीलिए कृष्ण गोपाल नाम रखा है, वरना सब लोग कृष्ण लता बुलाते। कृष्ण गोपाल? कृष्णा, कृष्णा कह के बुलाते हैं मुझे। कृष्णा? फील्ड में उतरने से पहले ही अकड़। क्या चाहते हो मुझसे? पेट भरने के लिए एक नौकरी। दे पाओगे? देता हूं। हाथ में चूड़ी पहनाकर मर्द को औरत बना रहे हो? ये मामूली चूड़ी नहीं है, इसे तुम्हारे हाथ में देखकर सारा शहर तुम्हें सलाम ठोकेगा। इतने लोग हैं, मेरा क्या काम? इन सब को देखता हूँ तो उनमें मुझे उन्हीं का चेहरा नजर आता है, पर तुम्हें जब देखता हूँ तो तुम्हारे चेहरे में खुद को ही देखता हूँ। तुम्हारी आंखों में छल नहीं है, चेहरे पर धोखा नहीं है। मेरे कपड़े धो देना, मुझे काम पर जाना है। आहा, ऐसी कौन सी बड़ी नौकरी है, इससे अच्छा तो किसी मटन शॉप में काम पे लग जाना चाहिए था। तुम चुप रहोगे क्या? मैं क्यों चुप रहूं? तूने मुझे पैदा किया या मैंने तुझे पैदा किया? मुझे ऑर्डर दे रहा है। काम पे जाते वक्त ये क्या लगा रखा है? और बोलूंगी मैं, क्या कर लेगा तू? मार डालूंगा। हाँ, यही तो करने के लिए जा रहा है ना? वही करूंगा। जा जा। बड़ा आया काम करने वाला। ए, ठीक से बैठना तू। ओफो माँ, अब उसका गुस्सा तो मुझ पे क्यों निकाल रही हो? हाँ, बताया इंस्पेक्टर ने, मैं बात करता हूँ। रुको, बोला ना मैं बात करता हूँ। कब है वो केस? तुम लोग उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, मैं खुद बेल दिलवा दूंगा।
सुनो। हाँ भाई। थोड़े पैसे दे दो इनको। ठीक है भाई, चलता हूँ भाई। ठीक है। कृष्णा, अरे वो है ना जो दूध बेचता है ना रघु, वो दादर वाला छोकरा। हाँ, बहुत बढ़िया है, एक ही दिन में हमारे एरिया को समझ गए हो तुम। जरा उससे बात करो। ये इसलिए कह रहा हूँ कि म्यान में एक ही तलवार, जानता हूँ। कम कम कम, संभाल के आना बेटा, बी केयरफुल। ओके, कम कम। अरे थोड़ा रोको तो, बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। ए, चल हट जा। इतनी भी क्या जल्दी। चुप है। Can't you wait for some time? देख भाई, बहन जी अंग्रेजी जान रही हैं। नंबर प्लेट नोट करके पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। भौंकना बंद करो, अपना काम करो, जाओ। गुरु आ गई। ए, पकड़ उसको। चलो चलो जल्दी चलो ना। अंकल आप फोन रखिए, डैडी अपना लैपटॉप बंद कीजिए। लेकिन क्यों बेटा? पहले मेरी बात सुनिए आप लोग, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? वो सड़क छाप गुंडे फिर से फॉलो कर रहे थे क्या? नो डैडी, एक इडियट ने आज क्या किया पता है? तुम ठीक से बताओगी तब पता चलेगा ना। जब मैं रोड वॉलंटरी कर रही थी ना, छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस कर रहे थे, वो इडियट्स रैश ड्राइविंग करते हुए आ गए। इडियट्स? कौन लोग थे वो बेटा? चार पांच गुंडे लोग थे। तुम गुंडों को भी जानती हो? मैं किसी गुंडे वुंडे को नहीं जानती, पर वो जो आगे बैठा था ना, वो तो पक्का मवाली लग रहा था। फिर से किसी के बारे में बिना कुछ जाने कुछ भी बोलना गलत है ना? हाँ, पता नहीं उन्हें क्या जल्दी रही होगी। और वो जो ड्राइव कर रहा था ना, पक्का टपोरी था डैडी, आई नो इट। अरे इसे तो अब सभी लोग टपोरी नजर आते हैं। मैं सच कह रही हूँ डैडी। ऐशू, आंटी हाय, आज ऑफिस कैसे आ गए? घर पर बहुत बोर होता है, ऑफिस आओ तो तुम्हारे अंकल को बुरा लगता है। मैंने सोचा बोर होने से अच्छा ऑफिस आ जाऊं। आपने बहुत अच्छा किया। आप जानती हैं आज क्या हुआ मेरे साथ? हाँ? जब मैं सड़क पे वॉलंटियर कर रही थी ना, ये तो सड़क पे खड़ी थी, एक टपोरी गाड़ी ड्राइव करके वहाँ पर आया, बच्चे वहाँ रोड क्रॉस कर रहे थे, उसने जोर से हॉर्न दबाया था। कौन हो तुम लोग? बोलो ना, छोड़ो मुझे। ए, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ दो मुझे। ए, हाथ दिखा के बात मत कर। कौन है तुम? ए, जास्ती बात मत कर। ए, बात सुन मेरी, कल तक अगर पैसे नहीं आए ना बेटा, तो हमेशा के लिए बंद करवा देंगे। ऐशु, आज शाम को सिनेमा जा रहा है, तुम कोई दूसरा प्लान मत रख लेना। ए, एक मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अरे क्या हो गया? देखो ना, झगड़ा हो रहा है, स्टॉप। हमें क्या लेना देना है ऐशु? चुपचाप चलो। अरे ऐशु आना, दुनिया भर की टेंशन इसी को है। ऑर्डर, 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 ऑर्डर। माय लॉर्ड, बीच सड़क पर गाड़ी के साथ तोड़फोड़ करने की वजह है कि जो नागा अलियास नागराज पर केस किया है उसे वापस ले लीजिए। वरना आपकी बेटी जो है ना, क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। नेशनल कॉलेज फर्स्ट ईयर डिग्री। केस वापस नहीं लिया तो आपकी बेटी कुमारी लक्ष्मी श्रीमती लक्ष्मी बन जाएगी। इतना ही नहीं, होशियारी की तो गर्भवती भी बन जाएगी। मैंने तुझे बोला था ना, देखो वही मवाली वहाँ झगड़ा कर रहा है, तू आ मेरे साथ। अशु छोड़ यार, अशु तू यहीं खड़ी रह, मैं ही जाती हूँ। केस आपको और भी मिल जाएंगे, पर बेटी कहाँ से लाओगे? सर आइए सर, हम थाने चलते हैं, एक एडवोकेट क्या होता है हम इन्हें दिखाएंगे। चलिए सर। साथ देने वाले जन्नत तक नहीं जाते, शमशान में मिट्टी डाल के निकल जाते हैं। इडियट, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सर, मेरे साथ चलिए थाने चलते हैं। बेटा तुम यहाँ से जाओ। बेटा सर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, मैं ए, चल जाना, आ जाते हैं कहाँ से मुझे समझाने, पता नहीं। अरे बेटा जब कार पर पत्थर पड़े, उस गाड़ी का मालिक बींग ए लॉयर वो खुद ही चुपचाप वहाँ खड़ा था, तो तुम्हें क्या पड़ी है उसकी? सबके सामने कहता है अपना काम कर दू, मेरी बेइज्जती कर दी। रिलैक्स रिलैक्स, किसी पागल ने अगर कुछ कह भी दिया तो तुम क्यों इतना नाराज हो रही हो?
Forget it. Come on, खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं है। गुस्सा अभी तक नहीं गया? ठीक है, तो फिर मैं भी ये नहीं खाऊंगा। आप क्यों नहीं खाएंगे? बेटी के बगैर खाना खाने वाला कसाई नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ बेटा। डैडी, आप खाना खा लीजिए, आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती है। वो क्यों? डरती हो कि कहीं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा? What rubbish, डैडी, कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे ही, just for joke, मैंने ऐसा कह दिया था। मेरी बच्ची को छोड़कर मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा। कितना प्यार करते हैं ना अपनी जान से। और क्या, तू ही मेरी जान है। मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? डैडी। बेटी कितनी इमोशनल हो गई हो तुम। हो गया, चलो अब खाना खाते हैं। कमन कमन कमन, चीयर अप। आइसक्रीम तो नहीं खाई ना? और वो मवाली ना डैडी, कहीं पर मिल गया ना मार डालूंगी मैं। अरे रे रे, बस भी करो, उसका गुस्सा यहाँ पे मत उतारो। अरे वही मधुमक्खी है गुरु, पास जाओगे तो काट लेगी। इडियट कहेंगे। गुरु इसकी स्पीड देख कर तो, ये गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट कैंडिडेट लगती है। ए, क्या बोल रहे? अरे गवर्नमेंट की छोरी साइकिल चलाते गारमेंट फैक्ट्री जाती है, ये जा रही स्कूटी पे, ये तो पक्का आईटी बीटी काम करती है। इडियट, दिखाई नहीं देता? हॉर्न बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? नहीं सुनाई देता, मार डालूंगा तुझे। उसने हॉर्न बजाया था तो तुम्हें उसे साइड देनी चाहिए थी। अगर तुम उसे साइड दे देती तो वो लेफ्ट या राइट लेकर चला जाता। तो मुझे उससे घबराकर उसी को साइड देनी चाहिए थी, है ना? अरे यही ट्रैफिक रूल्स है। वैसे भी अगर तुम घबरा जाती तो उसमें क्या गलत है? ये क्या बोल रहे हैं डैडी, मैं उन मवाली गुंडों से क्यों डरूंगी? क्या कर सकते हैं बेटा, आज के जमाने में भगवान से भी ज्यादा यही लोग ताकतवर हैं। हम बस अपना काम करते रहें, इसी में भलाई है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती, उस मवाली का तो कुछ करना ही पड़ेगा। उससे तुम्हें क्या मिलेगा? वो आइंदा मुझे परेशान नहीं कर पाएगा, बस। हमें उनसे दूर रहना होगा बेटा। देखो बेटा, अगर तुम उनकी कंप्लेन करोगी और वो लोग बदला लेने के लिए आ गए तो क्या इस तरह घबरा के हमें घर पे ही बैठे रहना होगा? क्या करोगी? आज हम जिन्हें सेलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, आखिरकार जिनके तलवे चाट रहे हैं, वो भी यही लोग हैं। कुछ नहीं किया जा सकता। कम ऑन, लेट्स हैव अ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी व्हाट? आइसक्रीम, आइसक्रीम बेटा। बेटा अगर ये डील पूरी हो गई ना तो लाइफ सेट है। है ना? सच है ना? कृष्णा मैं बस आधे घंटे में जाकर आता हूँ। कहाँ से? यही बगल में गर्मा गर्म हरी मिर्च का भजिया मिलता है, अभी जाकर ले आता हूँ। खा तो रहा है ना, खाना पेटू साला। ये ऐसे क्यों बैठा है? ओए बच्चे, वो कुछ पूछ रहा है, बाहर तो आ। इसकी तो बोलना। दीदी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, 10,000 तो लगेगा। सेंटिमेंटल सिनेमा की कहानी बता रहा है। ए, तू एक काम कर, वैन में बैठकर नीट पी ले, सारे दुख भूल जाएगा। डॉक्टर ने क्या बोला? ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। भाई से मांगना था ना? एडवांस ले चुका हूँ कृष्णा, फिर से मांग सकता हूँ क्या? जेब में एक ढेला नहीं है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा। Hi guys, इस अप्रैल 17 को हम रोड सेफ्टी अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, आप सबको उसमें जरूर शामिल होना होगा। आई होप ऑल ऑफ यू विल पार्टिसिपेट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इट्स ओके। डैडी कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब शादी शादी शादी। हाँ एक आइडिया देती हूँ, आप खुद एक मैरिज ब्यूरो खोल लीजिए, मेरी तरह कई लड़कियों की शादी नहीं हुई इंक्लूडिंग प्रिया, मैं उसे ही फोन देती हूँ, आप बात कर लीजिए। हेलो अंकल, बोलिए। ओफो ये तो ऐसी है ना, मैं समझाऊंगी। ऐशु तुझ में जरा सी भी अक्कल नहीं है यार, तेरे लिए लड़का तेरे डैडी नहीं ढूंढेंगे तो और कौन ढूंढेगा? प्रिया लाइफ कोई मजाक नहीं है, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अब चलो तुम। ठीक है तो मुझे एक बात बता कि तुझे किस तरह का लड़का चाहिए? सवाल अच्छा है, मुझसे शादी करने वाला लड़का बहुत स्मार्ट हो ये जरूरी नहीं है, जस्ट डिसेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, इतना ही काफी है, समझ गई? और आगे? और फिर सुबह उठते ही बिना किसी ईगो के मुझे एक बेड कॉफी बनाने वाला। हाँ, तुम्हारे कपड़ों को इस्त्री करे, एग्जैक्टली, ऑफिस में लंच लेकर आए,
एग्जैक्टली कंग्रेचुलेशन, इस जन्म में तुम्हारी शादी कैंसिल। वो क्यों? इस तरह के लड़के तो ऑर्डर देके बनवाने पड़ेंगे। वेरी फनी। कौन है ये इडियट? अरे शू, देखा ना वो मुझे ही फॉलो करते हुए आया। चल चल चल, कहाँ ले जा रही क्लास है? हाय, एक्चुअली देखिए वो रोड सेफ्टी प्रोग्राम अप्रैल 17 को होना है, तो जो कि रीगल थिएटर में जाके देखिए। एक्चुअली गजनी के 3 शोज, आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो वो मवाली ना। अरे आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम सॉरी। चलो हाँ चल चल। अरे ये तो यहाँ भी आ गया। हेलो, कौन है आप? हेलो मिस्टर, ये कौन है आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ। चेन दे अपने। भैया। चेन दे बोला ना। देखना हर जगह मुझे फॉलो कर रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? क्या देख रही हो? सर हमारे कॉलेज में एक मवाली आया है। मवाली? जी हाँ। कहाँ है वो? सर वहाँ पे ग्रे शर्ट पहन रखी है ना? हाँ, वही है। रुको देखता हूँ। ए ठहर जाओ, कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? इस कॉलेज में क्या काम है? लड़कियों को छेड़ने आए हो? ये सब यहाँ नहीं चलेगा। कॉलेज है ये, क्या समझ रखा है? इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। हाँ, क्या समझ रखा है तुमने? यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अक्ल क्या घास चरने गई है तुम्हारी? चलो निकलो यहाँ से, कॉलेज है ये कोई गुंडागर्दी करने की जगह नहीं है। आज तू देखना इसकी खैर नहीं। चल चलते। सर थैंक यू वेरी मच। सर ऐशु, हाँ, इस तरह मर्दों के खेल सीखने के बजाय एक मर्द को ही क्यों नहीं अपना लेती? व्हाट आर यू सेइंग? ऐशु, अब तू शादी कर ले यार। एक तो डैडी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, अब तू भी शुरू हो गई। मेरी बात तो सुना ऐशु, श्रीकांत नाम का एक लड़का है, बैंक में काम करता है और बहुत कमाता है, तेरी आंटी के रिश्ते में भी है, एक बार उससे मिल तो लेना ऐशु। वो मवाली? हाँ, क्या? मैं उसके बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो अभी तक तेरे दिल से गया नहीं ना? व्हाट? मेरे दिल में वो डफो? आयशु, वो अभी भी तुम्हारे मन में बसा है। इतना डिस्टर्ब तो हमें सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, वो जिनसे हम बहुत प्यार करते हो या फिर जिनसे नफरत करते हो। करेक्ट, मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ। अगर वो कहीं मेरे हाथ लग गया ना। बेटा हो गया क्या? अरे अभी तो एक ही किताब मिली है। अरे बेटा तीन चाहिए। एक घंटा हो गया है बेटा, चलो चलते हैं। नमस्ते, नमस्ते सर। क्या सर, आज आप यहाँ पर? यूं ही चला आया, पिछली बार जब आया था तो एक बात बोली थी मैंने। याद है बेटी, बेटी की शादी की बात ना? लीजिए। मेरा नाम यहाँ भी रजिस्टर कर दिया ना? हाँ बेटी, शादी। मेरे डैडी कुछ भी बोले आप सीरियसली मत लीजिएगा, ठीक है? अरे दूसरा कोई काम नहीं मेरे लिए, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम यही है बेटा। देखो बेटा, जब 4-5 लोगों से बात करो ना तभी अच्छा वर मिलेगा, इसीलिए लोगों से बात करनी पड़ती है ना। और बेटा इसीलिए रोडी रोग, तू यहाँ भी आ गया? कौन आज कौन आया? गया डैडी। कौन आया बेटा? किसकी बात कर रही हो? अरे बेटा क्या बात है? मुझे पेन दीजिए। अरे लेकिन आ गया ना तू? लेकिन आप जरा चुप रहिए ना डैडी। लेकिन बेटा क्या कर रही हो तुम? अरे देखो बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण गोपाल। कृष्ण गोपाल कहता है, कृष्ण गोपाल करेगा सारे घटिया काम और ऊपर से भगवान का नाम, शर्म नहीं आती? अपना मुंह बंद रख, मेरा दिमाग घूम गया ना तो काट डालूंगा तुझे। मारेगा मुझे, मारेगा, दिखा दिखा। मैं माफी मांगता हूँ। आप किस लोफर से माफी मांगते जा रहे हैं? हाँ बेटा मैं सॉरी बोलता हूँ, मैं सॉरी बोल रहा हूँ बेटा। सर आप अपनी बेटी को लेकर जाइए। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लेगा तू? तुम इधर आओ। नहीं जाएगी तो मर जाएगी। तुम मेरे साथ चलो। ऐशु मेरी बात सुनो, चल तू यहाँ से। अगली बार पीछा किया ना तो देखना क्या करूँगी। छोड़िए डैडी। अरे क्यों ऐसा तुम बिहेव कर रही हो बेटा? डैडी आप भी उस मवाली को सपोर्ट करने लगे। सॉरी बेटा, हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। देखो इतना। एक्सक्यूज मी सर। यस
क्या सर, क्या हो गया? अब कुछ भी नहीं बेटा, पता नहीं कोई कृष्ण गोपाल है, हर रोज मेरी बेटी का पीछा करता है। अरे आज तो यहाँ भी पहुँच गया। सर रोज के बारे में तो नहीं जानता, मगर आज कृष्ण गोपाल यहाँ पर मेरा आईडी कार्ड देने आया था। आप उसे गलत समझ रहे हैं सर। सुन लिया बेटी, इसीलिए कहता हूँ जीवन में सब्र रखना चाहिए। माँ। आती हूँ। माँ। क्या कॉफी लेकर आ जल्दी, छोड़ नहीं चाहिए। तू भी तो एक औरत है, सबसे प्यार और शांति से बात करती है, वो ऐसी क्यों है? किसकी बात कर रहे हैं? अरे वही जो रोज स्कूटी पे आती है, इतना गुस्सा आया कि पटक दूं, मार दूं साली को। ए, क्या बकवास कर रहा है? तूने ही कुछ किया होगा, नहीं तो कोई लड़की तुझसे क्यों झगड़ा करेगी? अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ, वही। अच्छा तूने कुछ किया नहीं है ना, तो चुपचाप जाके सो जा। जब देखो चिल्लाता रहता है। मुंह क्या देखती है, पढ़ाई कर। मैंने उसे कुछ नहीं किया भावना। नहीं यार, जा देखो मेरे रास्ते में आके मरती है। जरा भी शर्म नहीं है उस लड़की को, पागल हूं जो उसके पीछे जाऊंगा। वो देखने में सुंदर है क्या? दिखने में तो ठीक ठाक है। उससे तुम पर बहुत गुस्सा है। कुछ ज्यादा ही है। जहाँ प्यार होता है वहाँ गुस्सा होता है। तुझे कैसे पता? अब माँ को ही देखो, तुम पर हमेशा गुस्सा करती है, फिर भी तुम्हारे लिए अपनी जान दे देगी। तू पढ़ाई कर। वही तो कर रही थी। ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है। ए मिस्टर, सिग्नल मिल चुका है, गाड़ी निकालो, दिखाई नहीं देता है क्या? बच्चे रोड क्रॉस कर रहे हैं, जरा रुकिए सर। कृष्णा, तबीयत बिगड़ जाएगी, बहुत हो गया, चलो। चार दिन से सेटिंग कर रहे हैं हम लोग, साला पता नहीं क्यों नहीं हाथ आ रहा है। छोड़ ना, कहाँ जाएगा, इसी रोड से तो आता जाता है। आया आया आया, चल रहे। क्यों रे, पैसे नहीं दे सकता क्या? छुप छुप के भागता है। लेने को बराबर आता है, लौटाना भूल जाता है क्या? काके दो फटके दे तो पैसा लौटा देगा काके। क्यों धमकी दे रहा है क्या? धमकी काहे की, बजा दूंगा साले, ठोक दूंगा तुझे। अभी क्या रे, मुझे मारोगे? तू मुझको मारेगा क्या? ये ले, कैसी रही? ठीक भी कर रहे हो? ठीक भी कर रहे हो? तुझे छोड़ दो। पकड़, रुक, अरे इसको पकड़, पकड़ कृष्णा, पकड़ पकड़ साले को, पता नहीं उसे। अबे रुक, छोटे साले को तोड़ देना इसको। कहाँ जाएगा कृष्णा? अबे रुक कृष्णा, अरे रुक क्यों गया कृष्णा? आजा कृष्णा, पकड़ साले को।
कृष्णा, वो बच्चे क्या लगते हैं तुम्हारे? बच्चों की मदद करने चले गए और हमारा काम बिगाड़ कर आ गए तुम। हमारे फील्ड में अगर ऐसा करोगे और होश खो बैठोगे तो कहानी खत्म। कृष्णा, हे कृष्णा, कुछ समझ रहे हो? क्या समझे तुम? आपने भी बोला ना। पता नहीं मैंने क्या बोला, इसने क्या समझा। जाओ जाओ, पहले वो काम पूरा करो। भैया खाना खाने चलो। तू खा ले, मैं बाद में खा लूंगा। भावना, ठीक से पढ़ाई करो। भावना भैया, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तू पढ़ाई कर, फीस मैं भरूंगा। मैं तो पढ़ नहीं पाया, अब नौकरी क्या करता हूं? एक मवाली की। लोगों की नजर में गुंडा, राउडी। लोगों का कहना भी सच है। मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जो भला इंसान कहला सकूं? क्या तुम्हें ये काम पसंद नहीं है भैया? तो छोड़ दो ना ये नौकरी। चाहे जैसे भी कमा रहा हूं, जिंदगी तो कट रही है ना, और माँ तो खुश है ना। अगर तुम बदलना चाहोगे तो माँ भी खुश होगी। हाँ, खाना खा ले। और तुम? खा लूंगा। अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है भैया। कृष्णा, कृष्णा, क्या बात है? जय तुलसी मैया, जय तुलसी मैया। कृष्णा कहाँ है माँ जी? वो तो सुबह ही कहीं चला गया है। सुबह चला गया? कहाँ गया माँ? कह कर गया है भाई ने कुछ काम बताया है। भाई? भाई ने कहा? हम खुद अभी भाई के पास जा रहे हैं। ये कौन से भाई के पास गया हूँ? क्या बात है बच्चों? कुछ नहीं माँ जी, इसी का कुछ प्रॉब्लम था। मेरी? चुप कर मोटे, चलते माँ जी। भाभी एक बार तो हाँ बोल दीजिए, भाई की जान अटकी है। भाभी? व्हाट? भाभी बोला चप्पल से? चप्पल क्या, चप्पल की दुकान खोल देंगे भाभी। अरे तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। सर में दर्द है आपको, मेडिकल शॉप खोल देंगे भाभी। तू पागल हो गया क्या? तेरी कॉमेडी यहाँ नहीं काम आने वाली। मेहरबानी करो, जो कर लो, मेरा पीछा छोड़ो अब। ए, प्लीज इस तरह बात मत करो। तुम्हें पता है 6 महीने से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा हूँ। तुम्हारे लिए ही तो ये लाइफ स्टाइल, ये हेयर स्टाइल, इंग्लिश भी बोल लेता हूँ। हार्ट बीट बढ़ रही है, यू नो व्हाई? जस्ट 2 वर्ड्स, आई लव यू। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 3 वर्ड्स। मैं सीरियसली कह रही हूँ, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं भी सीरियसली ही पूछ रहा हूँ, मुझसे लव करोगी या नहीं? हाँ, लव कहा? हाँ, अपने बॉयफ्रेंड से पूछ के बताती हूँ। बॉयफ्रेंड? कौन है तेरा बॉयफ्रेंड? वो आ रहा है ना, वही है मेरा बॉयफ्रेंड। ए बेटा चाबी निकाल। हाँ। ए, आप चुप रहो। चाबी क्यों निकाली तुमने? ए, रुक जा बेटा, कहाँ पर जा रहा है तू? किस एरिया का है? तू नहीं जानता कि लड़की मेरी है। एक्सक्यूज मी, इसने मेरी बाइक की चाबी ले ली है। गाड़ी की चाबी दीजिए ना। ए, भाई ने जो पूछा उसका जवाब दे। तू बॉयफ्रेंड है क्या उसका? बाद में बात करते ना, पहले चाबी दे दीजिए, बाद में बात करते ना। चाबी नहीं दूंगा तो तू क्या कर लेगा, क्या कर लेगा तू? मैंने बोला ना चाबी दे दीजिए, बाद में हम लोग बात करते हैं। बाजू में खड़ी है तो होशियारी दिखाता है। ए, तू अभी मुझे नहीं जानता। ए, पागल है क्या? ए, क्यों मार क्या कर लेगी? क्या बात है? सर छोड़ दीजिए, इन जोकरों से क्या बात है? मुझे ही जोकर बोलती है। भाई खून। ए छोड़े, जल्दी कर। चलो आज इसे खत्म कर दूंगा, जल्दी भाग। गाड़ी स्टार्ट करो भाई, गाड़ी बाद में ले लेंगे। चलो गाड़ी छोड़ो, चलो चलो जल्दी। च
चाबी लीजिए। हाथ पे चोट वगैरह? हाँ। आइस आइस वगैरह हाथ पे? That's okay. मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, मैं आपका पहले तो उसने मारा, फिर भी कृष्णा ने नहीं मारा। एग्जैक्टली लाइक दिस, इसी तरह डैडी मेरा हाथ पकड़ लिया एक ही फटका। देखो देखो इसी तरह। डैडी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ सुन भी नहीं रहे। मैं सिनेमा देख रहा हूँ बेटा। क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कराटे आता है? मुझे नहीं आता है। आपको नहीं डैडी, कृष्णा को। अभी ये तो उसी से पूछना पड़ेगा। देखो ये सब झगड़ा फसाद किस लिए है? अब बाद में कौन रात को आकर यहाँ तमाशा करेगा, अब ये सब क्यों चाहिए? ए, बेल बज रही है, जाकर देखो। जाओ ना डैडी, मैं पिक्चर देख रही हूँ। क्या बेटा, मुझे सिनेमा देखने भी नहीं देती। ये एक्शन धमाकेदार होगा। कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ घुसे आ रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, कहाँ है तेरी वो बेटी? हाँ, कौन आया है डैडी? पता नहीं भैया। भाई कहाँ पे है वो? ए तमीज से बात करो। ए, काट के फेंक दूंगा। ए, वो जो हीरो बनकर घूम रहा था वो कहाँ है? पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। नहीं भाई, झूठ बोल रही है। लफड़े के बाद इसी के साथ बात कर रहा था। ए, कौन से एरिया का है? बोरीवली वेस्ट। अबे तेरा एरिया नहीं, उस हीरो का एरिया। ये तुम उसी से पूछ लो। ऐसा मारूंगा ना कि कान बंद हो जाएगा तेरा। अरे अशु, जानती हो तो बता दो बेटा। मुझे नहीं पता डैडी, मैं भी आज ही पहली बार मिली हूँ उससे। ए, फोकट पे टाइम का वेस्ट करते हो? गेंद के चार एरिया हैं, छोकरों के बोलूंगा तो उठा कर ले आएंगे। चल अकेली मिल तेरी बैंड बजाते हैं। हट, देखना तो जल्दी हमारे हाथ में आएगी। देखा ना बेटा, इसीलिए कहता हूँ दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाया करते। अब देखो कैसे कैसे लोग घर में घुस आते हैं। सॉरी डैडी, चलिए। उसे क्यों छोड़ा कृष्णा? दो चार जमा के देता ना, तब अकल आती इस साले को। ए, गाड़ी रोक रे, गाड़ी रोक। इन दोनों में से कौन है? यही है क्या? यही है वो लंबा वाला सफेद शर्ट। हाँ। ए, कौन हो तुम लोग? चल निकलते। कृष्णा ये क्या बोल रहा है यार? चार पांच फंटोर लोगों को साथ लाकर रोप जमाना चाहता है। थॉमस बहुत समझ निकल। कृष्णा चुप कर, दो चार बार रेजर मुंह पे घुमाऊंगा ना तो अकल आ जाएगी। छोड़ना मत इनको, छोड़ना नहीं इसको, साले को काट के फेंक दो आज। छोड़ना मत, कौन डाल इसको? कृष्णा!
निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। नहीं कृष्णा, निकल यहाँ से, बोला ना। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा चल निकलते यहाँ से, चल जल्दी, कृष्णा चल, कृष्णा जा यहाँ से, चल जा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा आओ कृष्णा, जल्दी करो ड्राइवर, जल्दी चला। ये क्या आदमी है रे, कुछ भी पूछो तो बोलता है नहीं पता, वो लोग कौन थे मुझे पता चलना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए भाई, हम है ना ढूंढ लेंगे। ए, उन्होंने कृष्णा के ऊपर हाथ नहीं डाला है, मुझ पर डाला है। अब वो चाहे कहीं का भी दादा क्यों ना हो, अगले आधे घंटे में वो मेरे सामने होना चाहिए, ये समझ लो। कृष्णा आपका आदमी है, ये उन्हें पता नहीं होगा इसलिए मारा होगा। घर से उठाकर हमेशा के लिए लिटाने के वास्ते दो चार ऐसे वार कर दूंगा ना, तब उन्हें पता चलेगा किसका लड़का है। शेर जब तक सोया होता है तब तक मच्छर और मक्खियाँ भी बदन को काटने दौड़ती हैं। डॉक्टर कृष्ण गोपाल कौन से वार्ड में है? अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट किया, आप वहाँ जा सकते हैं। भाई मैं सब कुछ पता करके सब सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप घर जाइए। तू क्यों भीगी बिल्ली की तरह बात कर रहा है रे? भाई आपके घर पहुँचने से पहले वो हरामी लोग आपके पैरों में पड़े होंगे, ठीक है ना? अब तो जाओ ना भाई। ठीक है बेटा, कृष्णा के घर वालों को पैसों की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। भाई चल रहे। हाय हाय, ये आपके लिए। मेरी माँ है। नमस्ते माँ जी, मैं ऐश्वर्या हूँ। यही मुझे अस्पताल लाई थी। अच्छा, तुमने मेहरबानी की बेटी। एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स बोलना चाहिए, कल वो क्या हुआ ना, क्या हुआ था? मेरी बहन भावना। ओह हाय, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। इनको तो जानती हो ना? आई नो। हाय 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 कृष्णा, हमें कुछ काम है यार, हम लोग बाद में आएंगे। भावना तुम माजी को लेकर घर जाओ, चलो चलते। क्या काम है, जाने यार, गुरु के साथ रहना पड़ेगा। साथ रहने वाले आए, चलो चलो ना, बिरयानी खिलाता हूँ, चलो। बिरयानी? एक मिनट, कमीने झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? माँ चलो हम खाना खा लेते हैं। तू हो आ, मैं यही रहती हूँ। अरे माँ चलो, ये रहेगी भैया के साथ, चलो। अरे मैं यही रहती हूँ ना। अरे माँ चलो ना, जल्दी चलो। माजी पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए, आप में से कोई एक ही रुक सकता है, बाकी सब बाहर जाइए। अब तुम्हारे समझ में आया, चलो चलती हूँ, ध्यान रखना। अच्छा बेटी बाय बाय, ख्याल रखना भैया। बैठिए ना। कोई बात नहीं, बहुत दर्द हो रहा है? नहीं। कृष्णा आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा था। नहीं है, आप गलती मेरी थी, आप जहां जाती हैं मैं वहां चला आता, किसी से भी गलती हो सकती है। मुझे एक छोटा सा घाव भी हो जाए तो मुझसे सहन नहीं होता, और ऐसे में आपको इतने बड़े चाकू से सोचकर ही डर लगता है। कृष्णा आपसे एक बात कहूं, मैं आपको जानती हूं इसीलिए मैंने आपकी मदद की, लेकिन आप में और उन गुंडों में मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई देता। आपको, आपकी हालत को देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसी तरह आपने जिन्हें मारा, फैमिली वालों को कितना बुरा लगा होगा, है ना? आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके काम की झूठी तारीफ तो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो इसलिए कि पापा ने परवरिश ऐसी दी है। जरा सोचिए कृष्णा, आपकी एक माँ है, एक बहन है, जिम्मेदारियाँ हैं। मैं ये सब आपसे क्यों कह रही हूँ मुझे भी नहीं पता, बताने का मन किया तो बता दिया। आप बदलोगे तो आपकी माँ बहुत खुश होंगी और बहन को भी खुशी होगी, सब लोग बहुत खुश होंगे। इतना ही नहीं,
मुझे भी बहुत खुशी होगी। अंधेरा होने तक सिर्फ चिप्स ही खाते रहेंगे क्या? जो बोलना है जल्दी बोल, मुझे खाना खाने जाना है यार। अबे चुप। देख कृष्णा, कोई लड़की आके अंग्रेजी में भाषण देकर गई तो भी भाई की नौकरी नहीं छोड़ सकते। कल को जब पेट में दाना नहीं होगा ना तो लड़की खिलाएगी क्या? देख कृष्णा, भाई जी अच्छे हैं या बुरे हमें क्या, मगर आज तक हमें पैसे देकर पाला उसने, हम उसे भूल नहीं सकते। ओ थॉमस, तू चुप रहेगा क्या? और कितने दिन तक भाई के टुकड़ों पर पलता रहेगा? कोई पूछे कि क्या काम करते तो क्या जवाब देंगे? कोई साला फोन करके इसे मार दो, उसे काट दो, इसे उड़ा दो, भाई सौदा करता है और काम हमसे करवाता है। जान हथेली पे लेकर काम करने वाले हम हैं, कोई गड़बड़ हुई तो हम जाएंगे। वैसे भी जब दीदी अस्पताल में भर्ती थी तो उस भाई ने मदद नहीं की, कृष्णा ने की। देखो तुम लोग क्या करोगे मुझे नहीं पता, मैं तो भाई आज से कृष्णा के साथ रहूंगा। कृष्णा तू जो बोलेगा मैं करूंगा। ए, मैं भी रहूंगा यार, मुझे सिर्फ खाना खिलाते रहना बस। तुम लोगों ने बोला तो मेरा भी वोट कृष्णा को। लीजिए सर। हेलो सर। सर 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 लीजिए ना। हेलो सर सर, ये देखिए सर, सर देखिए तो सर बहुत अच्छे खेल रहे हैं सर। ये एक मिनट रुकेंगे, रुको ना सर, रुक जाओ ना। क्या हुआ? अरे एक मिनट, स्टॉप स्टॉप, कहाँ जा रही हो ऐशु? ओ गॉड ऐशु, एक मिनट में आती हूँ। हाय कृष्णा, ओह माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये सब थैंक यू तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से ऐशु। ए प्रिया, ये है कृष्णा जी, सॉरी कृष्ण गोपाल जी, ये है प्रिया मेरी कजिन। हाय ऐशु, देर हो रही है, चल पता है, रुकना। ओह आई एम सो हैप्पी। ऐशु माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, डैडी भी वेट कर रहे हैं। आप यहीं पर रहेंगे ना? एक मिनट रुकना, जरा समझा करो, पसीने छूट रहे, लीजिए रखिए। ओके ऐशु बाय। बाय ऐशु, लड़की भी ना। ऐशु, 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 हे ऐशु, क्या हुआ बेटा, क्या बात है? दरवाजा भी खुला और तुम गुमसुम बैठी हुई हो, क्या हुआ बेटा, सर में दर्द है? नहीं डैडी, बुखार है। बुखार है, टैबलेट ले आता हूँ। नहीं डैडी, एक कप गर्मा गर्म कॉफी। कॉफी चाहिए तुम्हें? आई विल गेट इट, एक मिनट रुको। रेडी कॉफी, रेडी। फ्लास्क वाली कॉफी दे रहे हैं? अपनी बेटी के लिए ताजा कॉफी नहीं बना सकते क्या? आपसे कितनी बार कहा है कि काम वाली को रख लो, सारा काम खुद ही करेंगे। कूल कूल, फ्रेश कॉफी चाहिए ना तुम्हें? मैं अभी बनाता हूँ, दो मिनट दो। डैडी। अब क्या है बेटा? डैडी आइए बैठिए। क्या हुआ? आई एम सॉरी, आज तो शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। बेटा तू मेरी जान है बेटा, तुम जितना भी बोलो मुझे खुशी होती है, फिर भी जब तुम इतना सब कुछ बोल रही हो तो जरूर कुछ हुआ है। वो मबाली आज भी मिला था क्या? नहीं डैडी, आज मुझे वो मवाली नहीं मिला था। ओ, ओके, कॉफी चाहिए ना तुम्हें, पी लो। डैडी फ्रेश कॉफी। ओ यू मीन टू मिनट्स, टू मिनट्स बेटा, टू मिनट्स, अभी लाया। लीजिए सर। हेलो सर, लीजिए सर, बढ़िया शेर सर, ऐसा गुड़िया हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा सर। हेलो हेलो सर, सर आपके लिए स्पेशल सर। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, वो नहीं है। वो मतलब? वो मतलब कृष्णा, कृष्ण गोपाल। क्यों, कोई डील करवानी है क्या? डील क्या? वो कमीना हम तीनों को सड़क पर ले आया और खुद जाके डील करके नोट छाप रहा है, और तुम्हें कि कृष्णा विष्णा करके दिमाग खा रही हो, जाओ अपना काम करो। वो गुंडा आजकल कहीं भी बाहर में जाए, मुझे उससे क्या है? मैं तो पागल की तरह हमेशा हर एक के मामले में टांग अड़ा लेती हूँ। उस पर अगर गुस्सा है तो मुझ पे क्यों निकालते हो? उस चीट के बारे में मैं क्यों बात करूं, वो भी तुम्हारे साथ।
मेरा और उसका रिश्ता क्या है? क्या हुआ? गाड़ी। You cheat? कहाँ गए थे तुम? किसे मारने गए थे बोलो? मैंने किया क्या है? You cheat? You are a cheat? मैंने अरे लेकिन सुनो ना चुप। मैं तो बस I'm so sorry कृष्णा। ये लोग हो गॉड। अशु दीदी बस एक आधा प्लेट एक्स्ट्रा पार्सल ले लूं क्या? अबे जा इतना खाना काफी नहीं है क्या? वो क्या है ना जिंदगी भर से फुटपाथ पे खाना खाते रहे ना, लाइफ में फर्स्ट टाइम अच्छे होटल में खाना खा रहा हूँ, इसलिए बस दो प्लेट्स पार्सल ले लूं क्या? ऑफ कोर्स जितना चाहो ऑर्डर कर लो, ले लो ना। थैंक यू। एक घूर मत यार, बीमार हो जाऊंगा। एक मिनट। हाँ हेलो। हाँ हाँ डैडी, वही फील्ड इंस्पेक्शन था ना तो मैं चली आई। गाड़ी में जा रही थी ना इसीलिए साइड में पार्क किया है मैंने। ठीक है डैडी, जल्दी आ जाऊंगी। हे भाई इडली नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। जब प्यार शुरू होता है ना तो इस तरह का झूठ बोलना पड़ता है। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कभी अपने पिता से झूठ नहीं बोला। ये फर्स्ट टाइम है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने माँ को तो नहीं देखा, मेरे पिता ही मेरे सब कुछ हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा आज मैंने अपने डैडी को झूठ कहकर जो धोखा दिया है उसकी वजह तुम हो। तुम पर जो विश्वास है वही वजह है। ये विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगा। प्रॉमिस। अश्वि दीदी आप नहीं खा रही हैं तो डोसा मैं ले लूं क्या? ले लो। सुअर, भाई सुअर की जात है क्या? हेलो गुड़िया सर, गुड़िया सर, सर लीजिए ना सर, बच्चे खुश हो जाएंगे। लीजिए ना सर, एक के ऊपर एक फ्री है सर, कांच नीचे कीजिए ना सर, लीजिए ना। कृष्णा भाई ने देख लिया। हड्डियां तोड़ते वक्त तो शर्म नहीं आई, मेहनत करते वक्त क्यों घबराएं? अशु एक बार भाई से मिल के आऊं? किस लिए? एक अच्छा इंसान बनना तुम्हें पसंद नहीं है या उन्हें मिलकर कोई नई डील लेने का इरादा है? ऐसा नहीं है, मुश्किल वक्त में उन्होंने सहारा दिया है। मुश्किल वक्त में सही राह दिखाने वाला इंसान होता है, गलत काम करवाने वाला अपॉर्चुनिस्ट। यही रोको। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? मुझे थोड़ा काम है, बाद में मिलता हूँ। बोर हो जाऊंगी कृष्णा। एक दोस्त का जरूरी काम है, मैं तुम्हें शाम को मिलता हूँ। कहाँ ना शाम को मिलता हूँ, जाओ। हेलो। हाँ प्रिया। Excuse me, अभी मैंने यहाँ किसी को ड्रॉप किया ना, वो कहाँ गए? हाँ उस तरफ चले गए। उस तरफ मतलब? उस तरफ यानी भिंडी बाजार की तरफ। अरे क्या मस्त तितली है यार। आजकल धंधा भी बहुत कम चल रहा है रे। हाँ रे परेशान हो गई हूँ। चल जा। किसी और को ढूंढ लेते हैं। कैसे? मेरा इंतजार कर रही थी ना। चल रानी। ए, रुक जा साला कमीना कहीं का, साला चोर। अरे जा जा जा, मुझे लूटेगी क्या? कहाँ भाग रहा है? हाँ दे ना तेरे को पैसे। पूरा हो गया तो साला भाग रहा है, मेरे पैसे तो देकर जा। हम जैसे को धोखा देकर क्या मिलेगा तेरे को, बाहर में जा। तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पे क्या काम था? चलो यहाँ से। क्या काम था बताओ ना मुझे। तुम मेरा पीछा कर रही थी क्या? कितनी गंदी जगह थी वो, मुझे तो घिन आ रही है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
अब बात को घुमाओ मत, मेरे सवाल का जवाब दो। वहाँ पे क्या काम था? दोस्त को मिलने गया था वहाँ पर। कृष्णा झूठ मत बोलो। एक तू मेरा खींच के कान के नीचे। भैया हाय ईशु, हाउ आर यू? आई एम ओके। आप उदास क्यों लग रहे हो? ओ भैया ने कुछ कहा क्या? ये तो हमेशा ही ऐसे है, कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। भैया यहाँ क्यों आए हो? ओ थॉमस भैया से मिलने आए हो क्या? थॉमस यहाँ रहते हैं, तुम्हें कैसे पता? क्या है भैया, मैं हर रोज कॉलेज इसी रास्ते से जाती हूँ ना, इसलिए एक आध बार यहाँ देखा था उन्हें। कॉलेज का वक्त हो गया, अब चलती हूँ। भाभी भैया की बातों का बुरा मत मानिएगा, भैया का ख्याल रखिएगा। जा भी। I'm sorry कृष्णा, पर थॉमस यहाँ क्यों रहता है? दूसरे एरिया में किराया ज्यादा है, यहाँ पर सिर्फ 200 रुपए है। हाँ लेकिन ऐसी जगह पर। कोई भी जगह हो क्या फर्क पड़ता है, हम अच्छे होने चाहिए। उफ़ शुरू हो गए। हेलो मरने आई हूँ, मेरी शादी से पहले क्रियाकर्म कर दो। कृष्णा मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, मेरे घर पे आज लड़के वाले आए हैं, अपनी मन में तुम्हें बिठाकर उस घर में कैसे जाऊंगी? आपकी लड़की आज आएगी भैया? नहीं। हाँ बस आती होगी। ए अरे फोन करके देखो। हाँ। हाँ बेटा यही है मेरी बेटी ऐश्वर्या। बहुत देर कर दी तुमने, कहीं दूर गई थी क्या? क्या है कि ऑफिस बहुत ही दूर है, ट्रैफिक भी ज्यादा रहता है, साथ में ये पीक आवर्स भी है ना। वैसे आज संडे है, करने के लिए ऐसा कोई खास काम तो नहीं होता, ये शायद किसी से मिलने गई होगी, है ना बेटा? हमारे जमाने में एक लड़के को एक लड़की के बगल में बिठा देते तो बहुत ही बड़ी पनिशमेंट जैसी फीलिंग सी होती थी, लेकिन आजकल डे एंड नाइट बस कॉफी डे, पब, बार, क्लब, डांस, डिस्को, रेन डांस कहकर कुछ ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। हमने अगर सवाल पूछ लिया तो जनरेशन गैप, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कहकर हमें ही लेक्चर दे देते हैं। नो मैडम, हमारी ऐशु ऐसा बर्ताव नहीं करती, बट शी इज वेरी ओपन। आई सी, मतलब शी नोज एवरीथिंग, आई मीन सारे एक्सपीरियंसेस है इसको, एक्सपीरियंस कर लिया ना। मिस्टर श्रीनिवास, आपके लड़के को इस तरह रोते हुए देखकर ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ सच कहा, बट नो प्रॉब्लम, चाहे इसने कोई भी गलती की हो, अबॉर्शन तक करवा लिया हो तब भी आई डोंट माइंड, इट्स एन एक्सपीरियंस, समझ के चलते हैं। मैडम जरा मुंह संभाल के बात कीजिए। मिस्टर आप बहुत हार्शली बात कर रहे हैं। अरे भाई आप जरा चुप रहिए ना। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं? देखो प्लीज मैं इनसे बात कर रहा हूं ना, इस तरह लो लेवल की बात कौन सहेगा? दिस इज टू मच, घर पर बुलाकर बेइज्जती कर रहे हैं। अरे तुम जैसों की कैसी इज्जत, गेट लॉस्ट आई सेड। ए वेंकट माय फुट, ए चलिए ना, क्या मुंह देख रहे हैं इनका। प्लीज प्लीज रुक जाइए मैडम, रुकिए। अरे जाने दो, क्यों रुक रहे हो? ये सब क्या है वेंकट, इस तरह रूडली बात करते हैं क्या? जानते हो कितना बड़ा परिवार है उनका? हाँ हाँ देख लिया मैंने, मेरी बेटी किसी काम से बाहर गई, आने में थोड़ी देर क्या हुई कि ये लोग इस तरह से बातें करने लगे, वो भी एक औरत होकर, एक प्रोफेसर होकर, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी क्या, ये पूछ रही थी मेरी अशु को क्या तू जानता नहीं? सॉरी डैडी। ए बेटा, ए बेटा तुम क्यों सॉरी बोल रही हो बेटा? मैंने आपसे एक बात छुपाई है डैडी। हाँ कौन सी बात? I'm in love with somebody. हाँ? छे, जानती हो वो कौन है बेटी? थोड़े से पैसों के लिए लोगों की पिटाई करने वाला थर्ड ग्रेड गुंडा है। नहीं अंकल, वो मुझ पे अपनी जान छिड़कता है। क्या कहा? अपनी जान छिड़कता है? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का क्या होगा? वो अपनी जान दे देंगे? आयशु, तेरे बाप ने तेरे लिए जिंदगी कुर्बान कर दी बेटी, उन्होंने एक पिता की तरह नहीं नौकर की तरह तुम्हारी सेवा की है। I'm sorry, Daddy. I'm really sorry. अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भूल की है तो मुझे माफ कर दीजिए, अगर मम्मी भी होती तो वो भी मुझे इतना प्यार नहीं देती, और मैं आपकी लाडली अपनी जिम्मेदारियां नहीं भूली हूँ डैडी, I'm sorry. लेकिन डैडी मुझे सुबह निकलकर शाम को 5 बजे आने वाला पति नहीं चाहिए, ऐसा पति चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए जिए,
ये शादी, बच्चे, इट इज नॉट माई इंटेंशन, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। और आज कृष्णा मेरे लिए मेरी वजह से बदल चुका है। आई एम सो हैप्पी। वो सचमुच बहुत अच्छा है डैडी। बेटा, मैंने तुम्हारी भले ही रईसों की तरह परवरिश नहीं की, मगर तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। नहीं डैडी, कृष्णा अच्छा इंसान है, आपकी तरह ही मेरा ख्याल रखेगा। प्लीज डैडी, प्लीज ओके कह दो ना डैडी। देखो आप इनकार मत करना, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज डैडी प्लीज। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है बेटा। लव यू डैडी। डैडी मान गए, डैडी मान गए। आजा आजा। अपनी बेटी की जिंदगी तुम अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो। प्यार किसी को बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अब जमाना बदल गया भाई। मेरी बेटी को तुम पर बहुत भरोसा है। उसे कायम रखूंगा सर। यकीन करूं? देखिए सर, मैं दो जुबान वाला इंसान नहीं हूं, फिर भी मैं आपके लिए कह रहा हूं, वादा निभाऊंगा सर। थैंक यू बेटा। आंटी, आओ ऐशु। कृष्णा कहाँ है? वो तो बाहर गया है बेटा। ओफो, मैं एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। क्या बात है? उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, आज के बाद उसे बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, आइंदा एसी रूम में बैठकर काम करेगा। मेरे लिए लक्ष्मी से कम नहीं है तू, कितनी अच्छी खबर लाई है। तूने जब से इस घर में कदम रखा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। लेकिन कृष्णा नहीं है ना? वो तो स्वामी के घर गया है। और जाते जाते थॉमस को भी साथ में लेकर जाने वाला है। अच्छा ऐसा, तो फिर मैं उसे वहीं जाकर मिल लूंगी। ओके बाय आंटी। अरे बाय आंटी। पागल हो गई हो क्या? मेरी बहू पहली बार घर आई है, उसके ऊपर गंदा पानी फेंक रही हो? अकल नहीं है तुम्हें? देखा नहीं बहन, गलती हो गई। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। ऐशु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हो गया भाई? कृष्णा, मुझे ऐशु से मिलना होगा।
ऐशु, आपने सच कहा था अंकल, एक गुंडे से शादी करने के बाद घर की मान मर्यादा सब तबाह हो जाती है। वो तो शादी के पहले ही तबाह हो गई। डैडी को इस शादी के लिए मना करना चाहिए था। अगर मुझसे कहते कि उससे शादी करोगी तो मैं मर जाऊंगा तो मैं उसको भूल गई होती। मुझे पता है डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने बहुत गलत फैसला ले लिया था। ऐशु, कुछ भी नहीं हुआ बेटा, मैं खुद तेरे लिए अच्छा लड़का देखकर उसी मुहूर्त में तेरी शादी करवाऊंगा। नहीं अंकल, अब मेरी जिंदगी में किसी और के लिए जगह नहीं है। मेरे लिए डैडी ही काफी है। अच्छा हुआ कि उस गुंडे से शादी नहीं हुई। उससे शादी कर ली होती तो हर दिन नरक देखना पड़ता मुझे। मेरे सर में बहुत दर्द है डैडी, मुझे एक कप गर्म कॉफी चाहिए। फ्लास्क वाली नहीं चाहिए, मुझे आप फ्रेश कॉफी लाकर दीजिए। अंकल कहाँ हैं आप? यही रुक दो भाई। क्या हो गया? ए, क्या हुआ रे? ऐशु के पिता ने क्या हुआ? जल्दी बोल। फांसी लगा ली यार। अरे कृष्णा, कृष्णा, अबे अंधा है क्या? दिखा नहीं देता, दिखा नहीं देता। मेरी कोई गलती नहीं है कृष्णा, आप मुझे क्यों मार रहे हो? कृष्णा, कृष्णा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कृष्णा संभाल अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत से काम ले कृष्णा। चाहिए? इस घर में ऐश्वर्या रहती है ना? वो लोग घर खाली करके चले गए। ऐशु कौन? ऐश्वर्या। हाँ, वन सेकंड। सर, ऐश्वर्या मैडम से कोई मिलने के लिए आया है। हाँ, सर जरा ऐश्वर्या से मिलना था। तुम उसे चैन से जीने नहीं दोगे क्या? सर प्लीज सर, घर पर भी गए थे, पता चला आपने घर खाली कर दिया, बस एक बार मिलना था सर। किस लिए? अभी अभी तो पिता की मौत के सदमे से बाहर आई है, उसे फिर से सब याद दिलाना है क्या? चलो दफा हो जाओ। ए, ए, एक मिनट सर, प्लीज एक बार बुला दीजिए प्लीज सर। ए, तू यहां से दफा होता है या पुलिस को फोन करूं? ए रश्मि, कॉल द पुलिस, कॉल द पुलिस। ए सर, रख फोन, फोन रख। ए, गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी इस ऑफिस में नहीं चलेगी, चलो निकलो यहां से।
यहीं पे खत्म कर दूंगा। हाथ हटाओ, अपना हाथ हटाओ। अयशु मैं वो अब मेरा अपना कोई है तो वो यही है, उन्हें भी मार दोगे क्या? मैं भी तुम्हारा ही हूं ना अयशु। तुम मेरे हो, दफा हो जाओ। अयशु मेरी बात तो सुनो। अयशु प्लीज अयशु, देखो जो हो गया सो हो गया, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ अयशु। क्या कहा तुमने, सपना? आंखें खुलने से पहले बेड कॉफी हाथ में लिए डैडी खड़े रहते थे, वो सपना था। ऑफिस तक मेरे डैडी मेरा लंच बॉक्स लेकर आते थे, वो भी सपना था। छोड़ो ये सब बातें, अब तो झगड़ा करने के लिए भी मेरे पास कोई नहीं बचा। मुझे अभी मेरे डैडी चाहिए, लाकर दे सकते हो? हाँ वापस ला सकते हो तुम? अयशु हर बात पर मारूंगा काटूंगा यही कहते हो। नहीं मैंने कुछ नहीं। तुम ही ने मेरे डैडी को मार दिया। नहीं अयशु मैंने तुम्हारे डैडी को नहीं, सच कह रहा हूँ। अयशु मुझे मत देखो, अयशु ऐसे मत देखो। अयशु ऐसे देखते हो तो मुझे डर लगता है, मेरे डैडी की मौत आंखों के सामने आ जाती है। कृष्णा 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 रुक जा यार। लो भाई ये क्या 20 रुपए? जितना बोला था उतना ही तो दे रहा हूँ यार। और 20 रुपए निकालो भाई। हेलो मीटर 15 रुपए दिखा रहा है, ऊपर से 5 रुपए ज्यादा दे रहा हूँ मैं। ए ज्यादा बात नहीं करने का, मीटर पर 20 रुपए एक्स्ट्रा देने का भी। नहीं देगा तो क्या कर लोगे? जैसे बोलता हूँ पैसा निकाल अभी, चल। अबे हट रे। ए तेरी तो पैसा नहीं तो ऑटो पे कुछ निकाल दिया तुझे। पैसा निकाल, निकाल। पैसे नहीं देगा, कृष्णा कृष्णा, ये प्यार तो साला आरी की तरह होता है, ये तो साला आते वक्त भी काटता है और जाते वक्त भी काटता है, मगर एक ही फर्क है, साला आते वक्त दर्द में भी खुशी देता है और जाते वक्त वो दर्द हर खुशी को जला देता है। कॉफी ले कृष्णा। नहीं माँ। थोड़ी सी पी ले बेटा। नहीं चाहिए, बोला ना। कृष्णा अच्छाइयों सच्चाई की राह पर चलने की किस्मत शायद तेरे नसीब में नहीं है बेटा। कृष्णा कृष्णा
बादशाह, बादशाह की तरह जीता था तू। घूमने के लिए गाड़ी, साथ में फौजी, कुछ नहीं था तो बस चंद चमचे। तुझे देखते ही उस सत्यवादी हरिश्चंद्र की याद आती है मुझे, वो भी इसी तरह सच्चाई सच्चाई बोलकर सब कुछ गवा बैठा। तुझे क्या पड़ी थी ये सब करने की? प्यार वार का चक्कर है, है? या फिर बच्चों को सड़क पार करवाएगा? सिग्नल पे खड़े होकर खिलौने बेच रहा था, वो भी कोई काम है क्या? देखने वाले क्या बोलेंगे? यही ना कि भाई अपने छोकरों की देखभाल नहीं कर सकता? तनख्वाह ज्यादा चाहिए तो बोलो ना। वो सब नहीं चाहिए भाई। तो फिर क्या चाहिए? नौकरी। हाँ तो फिर आइंदा मेरे साथ ही रहेगा ना, बाद में कहीं माँ ने कहा बहन ने कहा बोलकर वापस तो नहीं भागेगा? भाई भाई क्या हुआ रे? वो प्रकाश बच के भाग गया भाई। वो कैसे? वो कोई नया एसीपी है भाई, एंड टाइम पे वहां पे पहुंच गया भाई। प्रकाश को मारने के लिए गए थे पर एसीपी को मारना पड़ा भाई। अरे बाप रे, पुलिस वालों के साथ रिश्ता अच्छा होता है तो जिंदा रह सकते हैं, वरना कितना भी बड़ा भाई हो बस एक ही गोली फिनिश। एसीपी कहाँ है? वहां से भाग गया। किस एरिया में हुआ है? आजाद नगर में। एक काम करो। बोलो कृष्णा। गोरेगांव, सुंदर नगर और सांता क्रूज। हाँ, इन तीनों स्टेशनों में कहाँ कंप्लेंट हुआ है चेक कर लो। हाँ मैं पूछता हूँ। वो एसीपी किस अस्पताल या नर्सिंग होम में एडमिट हुआ है ये भी पता करो। ए छोड़े, पता लगा। कंप्लेंट नहीं किया होगा तो? प्रकाश के गैंग एसीपी पर हमला करने गए, हमारे छोकरे उसे बचाने गए तभी उसे चोट लगी, ऐसा पुलिस को बोलो। हाँ कृष्णा। उसके फैमिली को भी यही बात बताओ। ठीक है कृष्णा। तूने अस्पताल का बिल भरा, उसे बचाने की कोशिश की या डिपार्टमेंट और उसके फैमिली को पता चलना चाहिए? ठीक है। फरार हुए प्रकाश को तो पुलिस मार ही देगी, हम पर सिंपथी आएगी, पुलिस वाले एसीपी को कन्विंस करेंगे। निकलो। चलो चलो जल्दी करो। इसीलिए कहता हूँ कृष्णा, तुम्हें मेरे साथ ही रहना चाहिए। हमारे फील्ड में ताकत वाला जीतता है, अकल वाला जीता है। तुम में दोनों है, तू आगे बढ़ेगा। मेरी नौकरी मिल जाएगी। ज्योति प्रकाश, ज्योति प्रकाश कौन है यार? कौन है तुम? क्या चाहिए तुम्हें? जवाब दो, सवाल नहीं। ज्योति प्रकाश कौन है? मैं हूँ। नसीब लेके आया हूं यार, हमेशा ऐशु के सामने ही बुरा बन जाता हूं। जो हुआ अनजाने में हुआ कृष्णा। जाने या अनजाने हो तो गया ना, हो तो गया ना। कोई क्या कर सकता है कृष्णा, यही तो हमारा काम है, जो हुआ सब भूल जा। गुरु दारू मत पियो गुरु। वही हुआ जो तूने कहा था, एसीपी ने हमारी बात मानकर केस वापस ले लिया। रुक जाओ, अबे रुक जाओ। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अपना कृष्णा हमारे साथ होना चाहिए। कृष्णा तू अकेला मेरे साथ रहेगा तो हाथी हाथी की ताकत होगी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। वो इसलिए कि मेरा वसंत किसी लड़की से प्यार करता है। सोचा था इस बुद्धू को पढ़ने लिखने के अलावा कुछ नहीं आता, ये तो बड़ा सुरमा निकला। लड़की कौन है पता है? तुम जिसकी सगाई रोक कर आए हो ना, वही लड़की। उसी लड़की से इश्क करने लगा है, उससे कभी लाइब्रेरी में मुलाकात हुई थी और ये उसी दिन से। कल तक जो लड़का मेरे कंधे पे बैठता था आज आकर प्यार करता हूँ शादी करवा दो बोल रहा है। इस खुशी का आप जश्न मनाते हैं, चलो। Yeah.
ए कृष्णा, तू भी आ जा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। क्यों रे, यहाँ लफड़ा हुआ था इसके लिए? अभी वसंत के लिए करना है ना, आ जा आ जा। हेलो, हाँ बोलिए। आधा कप कॉफी लिया, शक्कर कम डालना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अरे मैं हूं ना, वो सब मैं देख लूंगा। हाँ। नमस्ते जी। ऐश्वर्या। नमस्ते बेटा। क्या बात है? मेरा बेटा वसंत आपकी बेटी को चाहने लगा है, इसीलिए। इसलिए चार पांच गुंडों को साथ लेकर हाथ मांगने के लिए आए हो क्या? यही मेरे अपने हैं, अब क्या करूं मैं। आप कुछ मत कीजिए, चुपचाप चले जाइए, हमारी लड़की की सगाई हो चुकी है। सगाई हुई है ना, शादी तो अभी बाकी है ना भाई साहब। अंकल, ऐसे थर्ड क्लास लोगों से क्या बात करना। ऐशु, तुम जरा चुप रहो बेटी। देखिए, इन बेकार की बातों का कोई फायदा नहीं है, यहाँ से जाइए। मेरे बेटे ने आज तक जो भी मांगा, मैंने उसे कभी ना नहीं कहा। हाँ तो फिर मैं गुंडों के घर की बहू नहीं बनना चाहती। हाँ बेटा, मैं गुंडा हूँ, ये कृष्णा ये भी गुंडा है, यहाँ जो भी आया सब गुंडे हैं। लेकिन मेरा बेटा वसंत वो वैसा नहीं है, इसके ऊपर गुंडागिरी का साया तक नहीं पड़ने दिया है मैंने। उसने तो कुछ टाइपराइटर, कंप्यूटर और न जाने क्या क्या पढ़ाई की है। आप दोनों की शादी हो जाए तो विदेश या फिर अमेरिका वगैरह जाकर सेटल हो जाइए, इस सब का मैं इंतजाम करूंगा। आप कुछ भी कहें लेकिन वो नहीं चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है, पहले तो आपको मंजूर है क्या ये बताइए। मैंने कहा ना, सगाई हो चुकी है। शिवशंकर बाबू। रोज सुबह भाई से मदद मांगने के लिए सैकड़ों लोग इनकी चौखट पर खड़े होते हैं। ऐसे भाई आज अपने बेटे के खातिर आपके घर आए हैं, इनकार मत कीजिए। देखिए, ये शादी तो होकर रहेगी, आपको मंजूर हो तो दोनों साथ में मुहूर्त निकालेंगे, अगर ना कहेंगे तो मुहूर्त मैं निकालूंगा। आप लड़की को लेकर आइए। बेटा, तुम्हारी हिम्मत का मैं कायल हो गया, चलता हूं। एक और बोतल मंगा। कृष्णा भस्कर, कृष्णा चलो घर चलते हैं। कौन सा घर यार, अब यही तो घर है भाई। क्या है ना, बार बंद करना है, सब लोग चले गए हैं। वो भी तो बेटा है ना, उसको भी भेज रहा हूँ भाई, साहब आएंगे तो चिल्लाएंगे। चल बैठ जा। कृष्णा भाई के फीलिंग से तेरा साहब बड़ा है क्या? चल निकल रे। तू चुप जा, बैठ जा। तू निकल जा, मैं लेके जाता हूँ, जा। कृष्णा चलो भी भाई। कृष्णा क्या रे, चल कृष्णा घर चलते हैं। छोड़ना यार, मेरा मन नहीं कर रहा है। कृष्णा क्या हुआ दोस्त? भाई बुला रहा है। लो एक बार देखो इसको, इस हालत में कहाँ जाएगा, कल सुबह आएगा बोलो। कोई अर्जेंट काम है भाई को। ए जाना यार, छोड़ चल, भाई बुला रहे, कुछ अर्जेंट काम होगा। कृष्णा जाने दे यार, चल रहे। उठो भाई उठो। हाथ बंद लगा। मैंने बोला ना छोड़ दो इसे। कृष्णा भाई, मैं भाई से बात करूंगा। मगर कृष्णा जाओ ऐसे, निकलो चलो रे।
मुझे अच्छी तरह याद है अंकल, यकीनन वही था। उस दिन हम लोग यीशु को देखने आए थे ना, उस दिन वहां आकर जिसने फसाद किया था वही लड़का था, उसी का एक गैंग भी है। पता नहीं और क्या क्या सहना होगा। अरे माँ तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मेरी माँ बहुत जल्दी घबरा जाती है। अंकल उसकी आपसे क्या दुश्मनी है? कुत्ते बिल्ली की दुश्मनी के बारे में कौन जानता है, हम बस यही कह सकते हैं। अरे भाई पुलिस स्टेशन में कदम रखने से इज्जत जाती है ऐसा कहते हो, फिर भी गुंडों से पंगा लेते हो। हम अगर बिना वजह घर आके परेशान करेंगे तो चुप बैठेंगे। लेकिन वो रिश्ता लेकर आए थे तो इसमें हर्जी क्या है? क्या प्रताप आप भी देखिए, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत ही डिसेंट है। अब बेचारा उसको चाहता है तो उसे शादी करवा दीजिए। देखिए बेटे की भलाई चाहते हैं ना? जी हाँ। तो फिर इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, चुपचाप हाँ कह दीजिए। ये क्या प्रताप, आप पुलिस ऑफिसर की जुबान नहीं बोल रहे हैं, मैं इंस्पेक्टर साहब से बात करूंगा। चलिए मैं ही लेकर चलता हूँ, अब आप कंप्लेन देंगे, वो उसे एक फाइल में डालेंगे, भाई जी का एक फोन आएगा और वहीं पे कहानी खत्म। ये क्या है प्रताप, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी बात करेंगे। हर रोज सुबह भाई के घर के सामने लोग कतार में लगते हैं, उनके पास से हर महीने लोगों को पैसे मिलते हैं और पैसे लेकर लोग उनकी नौकरी करते हैं। अब आप ही सोचिए, एंगेजमेंट हुआ और लड़का अस्पताल पहुंच गया, शादी के बारे में सोचोगे तो क्या होगा? पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, कहता है वो सब संभाल लेगा। चलो बेटा चलो। ये लीजिए। थैंक्स। कृष्णा को आने में देर लगेगी? वो आता ही होगा। भावना एक गिलास पानी लाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए। मैंने तुम्हारी बहन से बात की, इंटेलिजेंट गर्ल, बहुत आगे जाएगी वो। मुद्दे पे आइए। ऐशु की शादी करनी है, उसके पिता की इच्छा पूरी करने की कोशिश की, कुछ हो नहीं पा रहा है। बेचारी उसकी किस्मत खराब है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती। पुलिस स्टेशन भी गया था, कोई फायदा नहीं हुआ, निराश होकर लौटा। देखो कृष्णा मुझे ये लड़ाई झगड़े वगैरह की आदत नहीं है, मैं इससे बहुत डरता हूं, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूं, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो, इसे रख लो। ये क्या है? आज के बाद ऐशु के रास्ते में कभी मत आना, उसे तुमसे कोई तकलीफ ना हो। इसमें 1,00,000 रुपए हैं, अगर कम लगे तो और भी दे दूंगा। जाइए सर। पहले ये पैसे तो रख लो कृष्णा। आप यहां से चले जाइए सर, जाइए। देखो तुम चाहो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा अभी। जाइए जाइए। अरे मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, मैं हूं ना। कृष्णा अरे क्या काम था? हाँ ज्वेलर के पास जाकर उसे एडवांस देकर आ जा। भाई वसंत के लिए कोई और लड़की देखो, इसे छोड़। क्यों रे, वो लड़की अच्छी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है भाई, किसी और के साथ उसकी सगाई हो चुकी है इसलिए। अरे सगाई रोकने के लिए ही तो मैंने भेजा था ना तुम्हें वहां पर, वो तो कर नहीं पाया, अब वो सब रहने दो बेटा, जो कह रहा हूं वो करो। नहीं भाई मेरी बात मानिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों रे क्या हो गया, तुम्हें क्या दिक्कत है? उस लड़की को पसंद नहीं है। अपना वसंत तो पसंद करता है ना। दोनों की मंजूरी चाहिए ना भाई शादी के लिए। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई घर वाले तकलीफ में है ना, तो लड़की वो बेचारी वो उस लड़की को जानता है क्या? तो फिर तू क्यों इतनी फिक्र करता है, जाके पहले मेरे काम निपटा। नहीं होगी। क्या बोला? ये शादी नहीं होगी। क्यों रे क्यों नहीं होगी शादी? मैंने 25,000 रुपए लिए हैं, उस लड़की की शादी उस लड़के के साथ कराने के लिए मैंने पैसे लिए हैं, वादा किया है। hey, तू मेरे नीचे काम करने वाला है, उनसे सुपारी लेगा तू, वो भी मेरे खिलाफ। आप ही ने तो कहा था कि मर्द को अपना वादा निभाना चाहिए। मैं अब मैं बाहर से काम करूंगा, अब मैं अलग होके काम करूंगा।
कोई बीच में आए तो उसे नहीं छोड़ूंगा। आपको भी? क्या बोला? तू मुझसे पंगा ले रहा है? मेरे खिलाफ बगावत करेगा तू? मेरे खिलाफ तू गया तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। चिल्लाओ मत भाई, शादी में नहीं होने दूंगा। दोस्तों के लिए कृष्णा हूं मैं, दुश्मनों के लिए तबाही। ये शादी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। कृष्णा, रुक जाओ। कृष्णा, हम भी तेरे साथ आएंगे यार। नहीं, मेरे साथ आओगे तो तकलीफ होगी तुम्हें। कोई बात नहीं, मेरी बात मानो। मार डालूंगा। मार दो ना। देखो कृष्णा, फ्रेंडशिप किसे कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमारे हर दुख में तूने साथ दिया है। अब हम तुम्हें कैसे छोड़ सकते हैं? तुम्हारे साथ कितनी सारी डील की है, थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती तो मौत तय थी। ऐसे हर मौके पर तुमने हमें बचाया है। हर बार तुमने ही तो बचाया है ना, अब मार देना चाहते हो तो मार दो। ए, कटिंग दे। ठीक है भाई। चार चाय देना भैया। ठीक है भैया। गरम है क्या? हाँ गरम है। चल जल्दी कड़क चाय बना। ठीक है। चाय के पैसे तुझे ही देने, हम तो पूरे कड़के हैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अभी नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। कृष्णा, गरम भजिया तल रहा है, खाऊं क्या? अरे अरे, अरे भैया जल्दी दे दे, मैं खाऊं, जाऊं भागूं यहां से। जल्दी दे, जल्दी। कृष्णा, लगता है हम लोग रिस्क ले रहे हैं। देखो, उन दोनों को दूसरे शहर भेज देते हैं। उन दोनों की शादी करवाने का वादा किया है मैंने। आज तक हम किसी और के लिए पसीना बहाते रहे, प्यार के लिए दो बूंद खून बह जाए कोई हर्ज नहीं है। अशोक, अशोक रुक जाओ। अशोक, अशोक, ये क्यों मुझे इतनी तकलीफें दे रहे हो तुम? मैंने क्या किया अशोक? तुमसे प्यार करके मैंने अपने डैडी को खो दिया, और अब कोई मेरा साथ निभाने आया है तो तुम उसे भी मार देना चाहते हो। उनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? मैंने क्या किया? ऐसा कर रहे हो तुम, बताओ मुझे। कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया अशु। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। नहीं अशु, अशु मैंने कुछ नहीं। उन्हें कुछ मत करना। नहीं, मैं क्यों कुछ करूंगा? भैया आप ही इसे समझाइए। कुछ भी ना, जो लोग पत्थर के होते हैं उनके सामने आंसू बहाने से क्या फायदा? ये लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम चलो, तू इनके जिंदगी पर चलो। बेटी, तुम भी किससे रहम की उम्मीद कर रही थी? वसन कहाँ मिलेगा? भाई, आपका बेटा अभी मेरे पास है। कृष्णा, सुनो, उस कृष्णा के पूरे खानदान को खत्म करना है। मुझसे पंगा लेने वाले का क्या हश्र होता है उसे बता दो। नहीं, तुम यही रुको। हेलो, उस थॉमस के घर में कोई भी नहीं है भाई। नहीं है। इसके अलावा क्या पता है तुम्हें? प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। तुम पहले जाओ यहाँ से। सर प्लीज सर, जिद मत कीजिए, ऐशु की भलाई के लिए कह रहा हूँ। चलो खड़े हो जाओ। मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जो करना था कर चुके हैं आप लोग, अब क्या खाक अच्छा करोगे? गेट लॉस्ट। ऐशु, ऐशु, गेट आउट। ऐशु मेरी बात सुन लो, इन सबको तुम ही समझाओ। देखो, तुम चाहती हो तो उस लड़के से शादी कर लो, प्लीज प्लीज ऐशु। मैं सच कह रहा हूं भाई, कृष्णा के घर में कोई नहीं है भाई। भाई कृष्णा,
वसंत कहाँ है? जिंदगी और मौत के बीच में बैठा है, उसकी जान बचाना अब आपकी जिम्मेदारी। तू उसे छोड़ दे, तू और तेरे घर वाले बच जाएंगे, या फिर याद रख तेरे पूरे घर को शमशान बना दूंगा। जलती हुई आग के सामने उनके फेरे लगवा कर दिखा दूंगा भाई। ए कृष्णा, बोलना छोड़िए, जो कहता हूँ ध्यान से सुनिए। ठीक 10:30 बजे आप उस लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचिए, या फिर 10:35 को बात नहीं करूंगा, करके दिखा दूंगा। माँ जी आप ही समझाइए, माँ जी वो आपकी बात मान लेंगे। ऐशु तुम ही मान जाओ ना। नहीं भैया, मैंने अब तक बहुत सह लिया है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। सुन लिया उसने क्या कहा? उठो चलो। मैं नहीं जाऊंगा। शराफत की भाषा तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ना। प्रिया पुलिस को फोन करो, जल्दी करो। इससे ज्यादा बात मत करना, पानी मांगे तो दे देना। चल रहे, चल इसको बाहर ले, चल मुंह बंद कर इसका। कौन हो तुम लोग? बंद कर, छोड़ो। चल चल, छोड़ो मुझे। अरे कहां ले जा रहे हो? चल टेंशन मत ले यार, रिलैक्स हो जा। नमस्ते साहब। नमस्ते। 7:50 बजे आएंगे, कोई हेल्प चाहिए तो बताइए। नहीं चाहिए। 500 रुपए लगेंगे सर, गवाह के साथ साथ शादी भी करवा दूंगा, अपनी सर्विस एकदम टकाटक है। अरे कहां नहीं चाहिए। नमस्ते सर, शादी है क्या? अकेले आए हो? 1000 रुपए दे दो, लड़की भी ले आऊंगा और आपकी शादी भी अच्छे से करा दूंगा। क्यों गुरु उदास लग रहे हो, भगा के शादी कर रहे हो? गवाह चाहिए क्या? चुप बैठ वरना मार डालूंगा। अरे नहीं चाहिए तो छोड़ो गुरु, उसके लिए इतना अकड़ के रहे हो? हमारे इलाके में आके हम ही से पंगा लेते हो, इतनी अकड़ दिखाओगे तो आने वाली लड़की भी भाग जाएगी। हसो गुरु, हसो ना गुरु, हसो गुरु, गुरु हसो गुरु। गुरु इतनी ताकत देखकर कोई भी लड़की आएगी गुरु, चलता हूँ गुरु। ए थॉमस गाड़ी स्टार्ट कर, चल अंदर, चल चुपचाप, ए मुंह क्या देख रहा, चल अंदर, चलो चल। गुरु शादी की पार्टी बोलकर चाकू छुरा दिखा रहे हो क्या? ए पैसे दे रहा हूँ ना, चुपचाप गाड़ी चला गुरु। ए गाड़ी चला। ठीक है गुरु। अरे कृष्णा मेरा बेटा कहाँ है? पहले उस लड़के को भेजो यहाँ, वसंत आ जाएगा। तू इसी वक्त वसंत को भेजेगा? ज्यादा बात नहीं भाई, वसंत चाहिए तो उसे भेज दो। इसमें शादी के कपड़े है पहनो। सर मैं शादी नहीं करूंगा सर, प्लीज सर। कपड़े पहनो जाओ। सर प्लीज मुझे छोड़ दो सर, सर, सर। मार डालूंगा। जाओ। जी सर। बस हो गया, हो गया। बदमाश कहीं के, तुम्हारा कभी भला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ए चुपचाप बैठे रहे वहीं, अच्छा और बुरा क्या है मुझे मत समझा। ए पीछे देख के क्या चला रहा है, आगे देख के चलाना। ए उतरो नीचे, उतरो। ये इसको क्या हो गया यार? थॉमस जाके मैकेनिक को बुला। तुम जो कर रहे हो भगवान को भी पसंद नहीं है। चुपचाप खड़े रह, बकवास मत कर। अरे मरना तो उस मवाली को चाहिए, तब तक तुम लोगों से छुटकारा नहीं मिलेगा। कृष्णा के बारे में कुछ कह तो ठीक नहीं होगा। क्या करेगा तू, क्या करेगा तू, क्या करेगा, बोल ना बोल, क्या कर लेगा तू? कृष्णा तेरा भगवान है क्या? बोल, बोलता क्यों नहीं, बोल बोल। हमारे लिए कृष्णा भगवान है, भगवान से भी ज्यादा। उसके बारे में तुम लोग क्या जानते हो? चुप हो जाए यार। तू चुप कर, कुछ मत बोल। तू
कृष्णा को पुलिस ने अरेस्ट किया तुम इतना ही जानते हो ना थॉमस, लेकिन उसके पीछे का जो सच है उसकी जो वजह है तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानती यीशु, तुम नहीं जानती, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इनविटेशन दे दिया ना, कोई छूटा तो नहीं। ए थॉमस, मेरे से शादी करना, प्यारा सा बेटा दूंगी तेरे को साला। ए कृष्णा के लिए एक स्पेशल चाय बना। देता हूँ भैया। ये लीजिए भैया। कृष्णा वहां मत देख, कृष्णा वहां मत देख, कृष्णा क्या हुआ, कृष्णा मत देख, जाने दे। क्या हुआ रे, हट जा। क्या कर रही हो, जाओ यहां से, जाओ, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। इसी छोकरे ने मुझे मारा था। आओ भाई, ए
गई। अंकल मैं बसंत। बसंत मुझे दो। बसंत बेटा कहाँ है तू? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? तुम वहीं रुको। कृष्णा मैं हूँ, माफ कर दे यार कृष्णा, भाई से पंगा लेके बच सकेंगे क्या? मैं डर गया, उसको छोड़ दिया। कृष्णा वहां से भाग जा यार। कृष्णा 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 औलाद का सीना है हमारा, हम हार मानने वाले नहीं है। मेरे तलवे चाटने वाला कुत्ता है तू, मेरे बेटे को मारेगा, आज उसी के हाथों से दफनाऊंगा मैं तुझे। मारो इसे। Thank you.
तू फिक्र मत कर, पापा तुझे कुछ नहीं कहेंगे। तुझे कुछ नहीं पता, तेरा भाग कृष्णा को मार देगा, मार डालेगा उसे। कृष्णा ने क्या गलती की है, क्या गलती की है? ऐशु से प्यार करना क्या गलत था? प्यार करने की सजा मौत है क्या? मेरे तलवे चाटने वाले कुत्ते को पाला मैंने, वो मुझे ही काटने को दौड़ा। बेवफाई क्या होती है और उसकी सजा क्या होती है ये दिखाकर बाद में बात करता हूँ। प्यार करने वालों को मारना ही है तो दुनिया में कितने लोगों को मारना पड़ेगा? नागा, जान तो चली गई है मेरी, जल्दी से मार दे मुझे। ए, वो चाकू नीचे क्यों फेंका रहा है? कृष्णा अच्छा इंसान है, माफ कर दो उसको। दिमाग खराब है क्या? जा मार उसे। छोड़ दो भाई, साथ में खाना खाया हमने, माफ कर दीजिए उसे। 18 सालों से मैंने तुझे पाला पोसा है, आज वो 6 महीने पुराना कुत्ता ज्यादा प्यारा हो गया। कृष्णा, 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 मुझे देखो कृष्णा, मुझे माफ कर दो कृष्णा, ये सब मेरी गलती है, कृष्णा मुझसे बात करो, प्लीज, आई एम सॉरी कृष्णा, मुझसे बात करो कृष्णा, अब मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। मुझे मत देखो ऐशु, मुझसे बात करो कृष्णा, टॉक टू मी, गलती हो गई, बात करो, गलती हो गई मुझसे, नहीं कृष्णा, प्यार करना गलती है क्या? नो इसलिए मैंने क्या कर दिया? कृष्णा, तू इस लड़की से प्यार करता है तो मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? कृष्णा, कृष्णा, हे भगवान, कृष्णा, कृष्णा, भगवान ने हमें जुबान दी है दिल की बात बताने के लिए, बातों को छुपाए रखोगे तो इस तरह की गलतफहमी होगी। तुम्हें अब तुम्हारी प्रेमिका मिल गई, एक अच्छी जिंदगी मिली, खुशी हुई मुझे। इतने समय तक तू मेरे साथ था, आज के बाद अपने घर वालों के साथ खूब खुश रहो बेटा। अब चलता हूँ बहन जी, नमस्ते। चलता हूँ। अबे मोटू, अब शादी के लड्डू खाने के लिए तैयार हो जा। ये मोहब्बत, ये मोहब्बत हो गई बिन बताए, आ गई बिन बुलाए, मन मेरा खो गया। यह क्या नशा है, इसमें मजा है, दिल आज मुझसे ये कह रहा है।